दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की ए सीरीज की। तो सबसे पहला नंबर हमारा सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज में काफ़ी अच्छी तरीके से आता है वीडियो क्वालिटी और कैमरा के लिए। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें एनएफसी ब्लूटूथ या दूसरे, तो वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A71 मॉडल की। तो इसकी मैं फुल स्पेक्स बताऊँगा, आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो दोस्तों मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं फ़ोन लाइब्रेरी, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया अम्ब्रेला न्यूज़ से फ़ोन लाइब्रेरी। तो आगे इस वीडियो को देखते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। दोस्तों बात करें हम सैमसंग गैलेक्सी में ये किस किस फंक्शन के साथ आएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये USB टाइप सी आपको इसमें मिलेगा, जो बेसिक फीचर्स होता है ए सीरीज में या अभी जो हमारे फ़ोन आ रहे हैं। अब ये लॉन्च कब होगा, 30 जनवरी 2020 में ये लॉन्च होगा। मे बी ये 5G वेरियंट के साथ लॉन्च हो जाए। और दूसरे फीचर्स की बात करें हम, तो मैं आगे बता देता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल रहे हैं हमें। इसके अंदर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, जिससे आप ईयरफोन लगा सकते हैं और गाने सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसकी 6.7 इंच की आपको मिल जाएगी, फुल्ली HD+ डिस्प्ले। अब HD+ डिस्प्ले क्या होती है, हाई डायनामिक डिस्प्ले होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको देती है। चाहे आप वीडियो देखें 4 या 5 GB की, अगर आपकी ब्लू रे में मूवी होगी तो आपको क्लैरिटी और बिना रुके रिफ्रेश रेट के साथ काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलेगी। या पबजी या कॉल ऑन ड्यूटी गेम खेलें या दूसरे गेम खेलें या टिकटॉक वीडियो बनाएं स्लो मोशन में हाई रेंज में, तो आपको उसमें भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपकी डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले हमारी सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी या फिर हमें देखने को मिलेगी SAMOLED डिस्प्ले, जो कि अभी रिसेंटली सैमसंग की तरफ से लीक्स आई थी। इसकी मेमोरी की बात करें हम, तो इसकी मेमोरी हमारी जो आएगी 6 GB रैम के साथ 128 GB में आपको मिल जाएगी, और 256 GB में हो सकते 512 GB का भी वेरिएंट आपको मिल जाए या 1 TB का भी आपको वेरिएंट मिल जाए। उम्मीद है इसकी कि SD कार्ड आप 1 TB तक तो डाल ही सकते हैं, क्योंकि अभी जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं उसके अंदर आप 512 GB तक तो एक्सपेंड कर सकते हैं, आउटसाइड जो एडेबल मेमोरी है वो डाल सकते हैं। तो आगे फीचर्स हमारे क्या क्या आ रहे हैं, और अगर मैं इसमें बैटरी की बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 25 वाट की चार्जिंग, जो फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट करेगी, एक्सपेक्टेड है इसका। लेकिन टेस्ट भी की गई है कि ये 30 मिनट के अंदर आपको 60 से 70% बैटरी चार्ज हो जाएगी। 25 वाट काफ़ी हाई लेवल की चार्जिंग होती है, हाई रेंज की चार्जिंग होती है। अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं, तो बैक साइड में आपको चौकड़ कैमरा देखने को मिलेगा। पहला कैमरा आप 64 MP का होगा, 64 MP, दूसरा 48 MP, तीसरा हमारा 12 MP और चौथा 12 MP। अगर हम बात करें इसकी, तो जो प्रोसेसर होगा हमारा वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 होगा। ये 4G में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर 4G के बेस पे ही बना है इसका चिपसेट। इसकी जो स्पीड होगी वो लगभग 2.84 GHz की स्पीड है आपको जो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे नॉर्मल फीचर्स की, तो इसमें आपको रेडियो मिलेगा, NFC मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, GPS मिलेगा और काफ़ी सारे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते हैं दूसरे फ़ोन्स के अंदर या गैलेक्सी ए सीरीज़ के अंदर। चाहे बात करें सैमसंग गैलेक्सी A10 की, A20 की या A30 या A50 की या A70 की, या फिर S लगा दें इनके साथ, A10S, A20S, A30S, A70S या A50S। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी रिवील्स हो गया होगा, सैमसंग गैलेक्सी A71 के काफ़ी फीचर्स आपको देखने वाले हैं, क्योंकि ये 30 जनवरी को जब फ़ोन लॉन्च होगा तो काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे अच्छा ही आपको फ़ोन के अंदर फीचर्स देता है सैमसंग। सैमसंग पीछे नहीं है, लेकिन ये प्राइस में थोड़ा सा हाई है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है, चाहे वो डिस्प्ले की हो, कैमरा की हो या किसी भी इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की हो, वो काफ़ी हाई लेवल और ज़्यादा बार की जाती है। अगर हम रियलमी की बात करें तो 10,000 टाइम करते हैं अगर कैमरा की फ़ोटोग्राफी के लिए करें, ये कम से कम एक्सपेक्टेड जो करता है, जो हमारे पास रिव्यू निकल के आया इसका,
वो बताता है कि कम से कम 1,00,000 बार टेस्टिंग करता है अपने फ़ोन की, चाहे वो ब्रेक करने के लिए ऊपर से, चाहे वो कैमरा की हो या फोटोग्राफी की हो या कलर मैच के लिए हो या कुछ भी और चीज़ों के लिए हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियो देता हूँ। तो चैनल पर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, जानकारी पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, गुस्सा आ रहा हो तो कमेंट कर देना, और हंसे हो, स्माइल आई हो या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्यारी सी स्माइल देकर लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।